हेलो वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आज की इस वीडियो में। फ्रेंड आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ 14 इंच कटर मशीन की फील्ड वाइंडिंग किस प्रकार से की जाती है। फिर इससे भी पहले हमने एक और वीडियो बनाया जिसमें हमने 14 इंच कटर मशीन की फील्ड वाइंडिंग करना आपको सिखाया गया। यहाँ पर हम इसमें डाटा को जो चेंजेस करने वाला है फ्रेंड, इसका SW चेंज करने वाले, तो कौन सा हम इसमें SW चेंज करने वाला है मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड। सही नॉलेज सही जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें गाइज, आप वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। तो आइए फ्रेंड आज का वीडियो जो हम शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे पास जो कि फील्ड है फ्रेंड, इसका मैंने सेटअप वगैरह यहाँ पे कर लिया, इसकी डाई वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा लिए गाइस। और गाइस अगर आपको इसकी डाई वगैरह इंस्टॉल करना नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको डाई बनाना सिखा देंगे गाइस। हाँ फ्रेंड, तो यहाँ पे जो कि आपको वायरिंग जो करना है फ्रेंड, इसकी जो जिसको वाइंडिंग करना है, तो फ्रेंड सबसे पहले फ्रेंड जो कि आप लेफ्ट हैंड से इसकी जो वायरिंग डालेंगे फ्रेंड, तो हमारा जो जो सिरा है वो हमें राइट हैंड की ओर उसको इंस्टॉल कर देना है, यानी कि फ्रेंड जो इसका इनर जो वायर है फ्रेंड वो हमको जो कि फ्रेंड लेफ्ट की ओर रखना है फ्रेंड, और राइट की ओर इसको वेंडिंग करते हुए चलना है फ्रेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड जो कि हम 20 नंबर इसमें जो कि वायर इंस्टॉल कर रहे हैं फ्रेंड, इससे पहली जो हमने वीडियो बनाई थी गाइज उसमें हमने जो कि 19 नंबर से फ्रेंड इसमें वेंडिंग किया था फ्रेंड गाइज। हाँ तो फ्रेंड जो कि यहाँ पे जो कि थोड़ी सी हम टर्न वगैरह अभी जो कि एडजस्टमेंट करने वाले हैं फ्रेंड, क्योंकि फील्ड है फ्रेंड वो जो फील्ड है वो भी काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ चल रही है फ्रेंड, उसकी कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड। इसके साथ में हम इसकी फील्ड जो है थोड़ा सा फ्रेंड इसमें हम चेंजेस करने वाले हैं फ्रेंड, और इसमें हम क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं वीडियो में आप देखते रहिए फ्रेंड, वीडियो में बने रहिए फ्रेंड, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, जो कि वायर आपको जो कोई से भी फील्ड आप वाइंडिंग करें, चाहे CM4 हो चाहे एंगल ग्राइंडर, कोई से भी फील्ड हो फ्रेंड आप वाइंडिंग करें, इसी प्रकार फर्मा लगाकर फ्रेंड उसको वायर को एक एक करके अंदर ही वहीं पर डालें। आप जो कि ग्रुप या गुच्छा बनाकर ना डालें फ्रेंड, क्योंकि ग्रुप और गुच्छा बनाने से फ्रेंड जो कि वायर जो कि डैमेज होता है, और साथ साथ में फ्रेंड वो कोयल ढीली या फिर टाइट रहती है फ्रेंड, जिससे कि हमारा आर्मेचर सेट करने में हमको प्रॉब्लम आती है गाइस। अगर आपको सही से वायर के सेटअप करना है, सही वायर आपके जो फील्ड है अच्छी लुक में लगे फ्रेंड, अच्छी वाइंडिंग करना है गाइस, तो उसके लिए फ्रेंड जो कि आपको वायर को है जो कि फ्रेंड इसी में इंस्टॉल करना चाहिए फ्रेंड, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं आपको दोनों कैमरे एंगल से दिखाने की कोशिश करूँगा गाइस। आपको फ्रेंड जो कि अच्छी वायरों को खींच के और टाइट लेके बांधना गाइस, जब इसमें आप इसको इंस्टॉल करें तो फ्रेंड आपको वायर जो कि टाइट रहना चाहिए, यानी कि आपको उसको ढीला नहीं रखना है फ्रेंड। साथ साथ में फ्रेंड जो कि आप किसी भी बिना नुकली या प्ला लक्कड़ की जो भी आपको प्ले वगैरह मिल जाए उसके साथ में वायरों को ठोकते हुए भी चलना, जिससे कि फ्रेंड जो कि हमारी कोयल ढीली ना रहे फ्रेंड, हमें जो कोयल को फ्रेंड जितनी हो सके उतनी टाइट इंस्टॉल करना है फ्रेंड, और हमें इतना ध्यान रखना है कि हमारा जो वायर है फ्रेंड वो पेपर के ऊपर ना चढ़ेगा, नहीं तो हमारा आर्मेचर उससे टच हो सकता है गाइस। तो हम यहाँ पे जो कि इसमें जो कि इस प्रकार से फ्रेंड आपको जो वेंडिंग करना है जो काफ़ी अच्छे तरीके से करना है, और एक एक वायर को जो है कि आपको बारीकी से फ्रेंड जो कि इसमें बिठाना है गाइस, कुछ इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बिठाने के बाद में फिर इस प्रकार से लकड़ी की सहायता से गाइस जो कि आपको एक एक करके जो कि इसमें जो कि फ्रेंड आराम आराम से फ्रेंड जो कि आपको ठोकर लगा देना है, जिससे कि आपकी वायरिंग है वो सही से बैठ जाए। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी वायर सही से इसमें इंस्टॉल हो रही है, साथ साथ में फिर जो कि वायर को आपको खींचते हुए इंस्टॉल करना है फिर, यानी कि आपको वायर जो है कि ढीला नहीं रखना है गाइज़। अगर आप वायर ढीला रखोगे तो फिर जो कि आपको उधर कोयले जो कि ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि इसमें वैसे ही टर्न बहुत ज़्यादा होने वाले, और हमारे पास जो कि फिर आप देख सकते हो कि टामी है जिसकी वजह से फिर जो इसकी थिकनेस है फिर वो सही है, और इससे हमारा वायर जो कि कटेगा नहीं, यानी कि इसका इंसुलेशन नहीं छिलेगा गाइज। इसके साथ साथ में गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि हम इस प्रकार से इसको अच्छी तरीके से वेंडिंग जो कि करना है फिर दोनों साइडों के साथ में इसको इंस्टॉल करना है, दोनों साइड से इसको ठोकर मारनी है गाइस। हाँ तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हो कि अच्छी तरीके टामी हो या फिर आपके पास जो पेचकस हो फ्रेंड जिसमें धार ना हो गाइस, और इंसुलेशन किसी भी हालत में हमारे वायर का छिलाना नहीं चाहिए फिर जहाँ तक हो सके फिर। उसके बाद फिर जाके आपको इसका मैं SWG मैंने आपको बता दिया गया इसकी, इसमें हमने जो कि 20 नंबर SWG इस बार यूज़ किया गया, इसमें जो टर्न है फ्रेंड वो हमने बढ़ाया, क्योंकि पिछली वाले वीडियो में फ्रेंड जो कि हमने 65 से 70 टर्न डाले थे, इस बार जो कि फ्रेंड इसमें हम 80 टर्न इंस्टॉल करने वाले, वो भी 20 नंबर से गाइस। अब वायर फ्रेंड जो हमने थोड़ा इसमें पतला किया फ्रेंड, जो कि पिछली जो फील्ड थी उसमें एक थोड़ा इशू था कि फ्रेंड वो कॉइल जो कि गर्म हो रही थी फ्रेंड, तो हम जो उसकी मोटा गेज की जो थोड़ा पतला गेज इसमें इंस्टॉल करेंगे, जिससे कि हमारी फील्ड गर्म ना हो गाइस। मशीन वो भी अभी भी वर्क में गाइस, हमने काफ़ी 1-1.5 साल उसको हो गया है वाइंडिंग की, उसके बाद में फिर जिसकी हम थोड़ा इसमें चेंजेसिंग इसमें ले रहे हैं गाइस, कि इसका डाटा जो कि हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं फिर,
और इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली वो भी मैं आपको वीडियो में किसी अगली नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। इसकी इसकी फील्ड किस प्रकार से चल रही है क्या है। अभी हम इसमें 20 नंबर इंस्टॉल कर रहे हैं क्योंकि फिर इससे पहले भी मैंने जैसे फिर 20 नंबर से जितनी फील्ड इंस्टॉल की है फिर वो 19 नंबर की बजाय कम हीट होती गाइस, क्योंकि जितना पतला नंबर का वायर गेज हमारा रहेगा फिर हमारी जो कि फिर मोटर उतनी कम गर्म होगी, चाहे कूलर पंखा कोई भी हो, फिर मोटा वायर लगाने से स्पीड ज़्यादा आती है लेकिन गाइड हमारे जो उपकरण है वो गर्म हीट होते हैं। फिर तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे स्पीड को महत्व ना देते हुए फिर जो कि हमने हीटिंग को महत्व देते हुए इसमें फिर जो कि थोड़ा सा डाटा में चेंजेस किया फिर, लेकिन इसमें फिर जो कि हम वायर को अच्छी तरीके से खींच खींच कर टाइट इंस्टॉल करेंगे फिर जितनी टाइट हमारी फील्ड की कॉइल रहेगी फिर, तो फिर उसके बाद में फिर जो कि हमें दिक्कत नहीं आने वाली, हमारी एकदम जो कि परफॉर्मेंस है वो सही से रहने वाली है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स। हाँ तो फिर जो कि हमने इसकी जो पहली जो ग्रुप की फील्ड की जो पहला ग्रुप है फिर वो हमने इंस्टॉल कर लिया, फिर वो किस प्रकार से इसको इंस्टॉल कर लिया फिर वो भी आप देख सकते हैं। फिर फर्मा जो डाई है फिर वो आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। उससे पहले जो कि हम इनर और आउटर दोनों वायर को यहाँ पे इसमें डाल देते गए जिससे कि इसमें दिक्कत ना आए, ये वायर इधर उधर भगे नहीं गए। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमने जिसका जो फर्मा है फिर वो ऊपर की साइड में जो कि निकाल लिया गए, काफ़ी इजीली आसानी से निकल जाता है। फिर यहाँ पे आप लकड़ी का जो कि फर्मा भी है वो इंस्टॉल कर सकते हैं गाइस, मैं लेकिन वो फर्मा मैं इसमें यूज़ नहीं करता फिर क्योंकि इसके मुकाबले ये फर्मा काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको लकड़ी फर्मा भी इस्तेमाल करना है तो फिर वो भी हम आपको बनाकर दिखा सकते हैं या सिखा सकते हैं। फिर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है फिर आप कमेंट जरूर किया करें, फिर जब तक आप कमेंट नहीं करोगे हमें पता ही नहीं चलेगा आपकी क्या जो है कि डिमांड होती है गाइस। तो यहाँ पर हमारा पहला ग्रुप है जो कि फिर अच्छे से इंस्टॉल हो गया, उसके बाद थोड़ा सा इसको हम ठोकर मार के अच्छी तरीके से बांध लेंगे गाइस। यहाँ पर आप देख सकते कितनी अच्छी शेप जो है कि हमारी फील्ड की अभी आई हुई है गाइस, और वायर वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी और काफ़ी बेहतरीन तरीके से ये जो कि इसका लुक है गाइस वो लग रहा है। तो साथ साथ में फिर जो कि हम इसका एक और फील्ड है वो भी हम यहाँ पे इसको वेंडिंग करने वाले गाइस। तो यहाँ पे मैंने फर्मा सेट कर दिया गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो फिर हमारी जो स्लॉट है फिर उसकी थोड़ा सा हमने जो कि 4 mm इसको नीचे से लिया जिससे कि हमारा आर्मेचर है फिर वो टच ना हो गाइस। तो हम इसमें के बाद में फिर जो कि इसको वेंडिंग करना गाइस, तो सेकंड पॉइंट को तो उसी प्रकार से हम इसको वेंडिंग करेंगे गाइस लेफ्ट हैंड की ओर, फिर इसका इनर सिरे से इसको इंस्टॉल करते हुए लेके चलेंगे फिर जिससे कि फिर आपको यहाँ पे जो कि कार्बन लीड निकाल लें उसको दिक्कत ना आए फिर, क्योंकि अगर हम इसकी उल्टी डायरेक्शन कार्बन लीड के लगाते हैं तो फिर हमारा शॉर्ट सर्किट जो कि काफ़ी ज़्यादा बनता है हमारे जो कि जब कहते हैं कि हमारी फील्ड सक्सेस नहीं होती फिर वो होता है हमारा जो कि कार्बन की लीडों का सही से इंस्टॉल ना होना गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिर यहाँ पे फिर जो कि हम उसी प्रकार से इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर हमने फिर जो कि इसका जो इनर सिरा है फिर वो लेफ्ट हैंड की ओर रखा, फिर इसके राइट हैंड की ओर इसको हमको वाइंडिंग करते हुए चलना, फिर उसी प्रकार से एक एक वायर को वाइंडिंग करना गाइस। एक एक वायर इसमें हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद में फिर जो कि हमने इसमें 80 टर्न जो है कि गाइस वो हमने इंस्टॉल किए 20 नंबर SW से, फिर सेम टर्न सेम डाटा रहने वाला है फिर दोनों फील्डों का, यानी कि दोनों ग्रुप का हमको इसमें सेम डाटा डालना है लेकिन वायर हमको जो कि अच्छे से टाइट डालना है गाइस। वायर जो कि हमारा ढीला नहीं होना चाहिए, फिर वायर को जो कि अच्छे से खींच कर और आपको दबाते हुए चलना है, फिर पेचकस या किसी भी चॉपर की सहायता से फिर जो कि आपका वायर जो कि ढीला नहीं रहना चाहिए। फिर अगर वायर हमारा अगर ढीला रहेगा गाइस तो हमको जो कि वाइंडिंग करने में जो कि प्रॉब्लम आ सकती है गाइस, और हमारे जो कि आर्मेचर है फिर वो सही से फिट नहीं होता है, फिर वो फिर जो कि जब अगर हमारी फील्ड थोड़ी सी बड़ी रहेगी तो फिर जब उसकी जो पंखुड़ियाँ जो होती है फिर वो लोहे की इसमें ब्लेड लगी रहती है वो हमारी फील्ड की जो ऊपर का सिरा होता है उसको डैमेज करती रहती है। तो इस प्रकार से फिर जो कि आपको इसको सही से इंस्टॉल करना गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको टाइट और अच्छा खींच खींच कर आपको इंस्टॉल करना, फिर वायर आपका जो कि ढीला नहीं रखना, फिर जितना हो सके उतना टाइट खींच कर आप वायर को रखे गाइस, साथ में इसको दबाते हुए चले। फिर हाँ आप इसको फिर जो कि 20-20 टन के साथ में इसको इंस्टॉल करना चाहिए, फिर यानी कि आप पहले इसमें 20 टन डालते जाइए उसके बाद में इसको दबा दे फिर जिससे कि आपके वायर जो है कि वो सही से अच्छे से एक साथ में अगर हम दबाएंगे तो फिर वो गुच्छे जो कि दबता नहीं है। फिर कुछ इस प्रकार से फिर जो कि हमारी फील्ड है फिर आप देख सकते हो कि हमने इसको लगभग लगभग इसको पूरा कर लिया, फिर इसमें कुछ जो टर्न बचे वो भी हम इसमें इसका रिस्टोर करके इसको एकदम रेडी कर लेते गाइस। हमारे टर्न जो कि फिर अच्छे दबाते और साथ साथ में खींच के इसमें जो कि टर्न है गाइस वो कि डालना, फिर हमने इसमें जो पेपर यूज़ किया फिर आप देख सकते हो कि हमने इसमें डबल पेपर यूज़ किया, इसमें फिर जो कि आप फील्ड वाइंडिंग करने के लिए फिर जो जो होती है फिर उसमें अलग से वाइट कलर का जो कि लेदरलेस पेपर जो आता है गाइस, उसमें जो कि लेदर और पीवीसी दोनों साथ में मिक्स रहते हैं गाइस।
हाँ गाइज, अगर पेपर आपको मैं कभी किसी अगली फील्ड में फ्रेंड जो कि हम दिखाएंगे गाइज, जिसमें कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर फ्रेंड जो कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड जो कि हमने इसमें एकदम अच्छी तरीके से फिर पूरी तरीके से इसको फील्ड को टाइट जो कि दबाकर बाइंडिंग करना गाइज, इसके वायर को जो कि लूज नहीं रखना। फिर मैं आपको वीडियो में बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड, आपका जो अगर वायर ढीला रहेगा तो फ्रेंड जो कि आपको आर्मेचर बिठाने में जो कि प्रॉब्लम आ सकती है गाइज, तो आपको वायर को जो कि बिल्कुल 1% ढीला नहीं रखना है गाइज। तो कुछ इस प्रकार से वायरिंग जो कि हम अच्छी तरीके से खींच खींच के इसमें डालने वाले, फिर इसके साथ में ही इसको इंस्टॉल करने वाले। फिर यहाँ पे फिर जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से हमारी फील्ड है जो कि वाइंडिंग अभी हो रही है गाइस। अगर आप इसको ढीला रखोगे गाइस तो फिर जो कि आपकी वायर है जो कि काम जो हमारी स्टेटर है फिर उससे यानी कि हमारी जो फील्ड है उसकी कोरों से काफ़ी ज़्यादा बाहर आ जाएगी। फिर अगर ज़्यादा बाहर आएगी तो फिर वहाँ पर भी फिर जो कि मैग्नेट बनाने में उसको इश्यू हो सकता है, फिर जिससे भी इसमें दिक्कत आ सकती है गाइस। तो यहाँ पर हमारी जो सेकंड कोयल है फिर वो भी हमारी इंस्टॉल हो चुकी है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से। इसके बाद में फिर हम हमारी डाई है उसको निकाल लेंगे गाइस, यहाँ पे जो कि हमारी डाई वगैरह निकाल ली, हमारी फील्ड एकदम रेडी हो गई। फिर तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कि हमारी फील्ड की जो हमने दूसरी कॉइल वो हमें बाइंडिंग करनी है। उसके बाद में फिर इसमें भी हमने इसको एकदम इंस्टॉल करके बनाकर रेडी कर लिया, और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी जो लुकिंग है फिर वो अभी यहाँ पे आई हुई है। फिर अगर फिर हम इसी में पेपर लगा कर इसको बाइंडिंग करेंगे तो हमारा फील्ड जो कि अच्छे आने वाले। फिर साथ में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारी फील्ड किस प्रकार से बाइंडिंग हुई है। फिर मिलता करें किसी नेक्स्ट वीडियो में, साथ में फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स।